नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पुराने जमाने में डकैतों के तमाम किस्से ऐसे आते थे जिनको सुन करके लोग हैरान होते थे कि क्या ये लोग इतने दुर्दांत हो सकते हैं, क्या ये लोग इतने खतरनाक हो सकते हैं, या फिर आखिर क्या वजह है कि लोग बिघड़ों में डकैती के लिए उतर जाते हैं। पहले वजह बहुत सारी हुआ करती थी, गरीबी, मुश्किलें, कानून की वजह से या किसी के शोषण की वजह से। कई ऐसे भी कांड हुए जिसमें एक जाति विशेष के लोगों ने लोगों पर अत्याचार किया, उसके बाद उन्हीं में से कोई एक उठ करके बिघड़ में उतर गया और उसने तमाम कांड करने शुरू कर दिया, डकैती का पेशा अपना लिया। इसीलिए जो चंबल इलाका है वो मशहूर है डाकुओं के लिए, डकैतों के लिए। और ऐसे बहुत से किस्से हुए जिन पर फिल्में भी बनी, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर किस्सा हुआ फूलन देवी का। फूलन देवी जिनके ऊपर बेहमई में कांड हुआ था, जिसमें एक जाति विशेष के लोगों ने उनके साथ रेप किया था, गैंग रेप किया था, उसके बाद वो बिघड़ में उतर गई और वहाँ डकैत बन करके जब लौटी तो एक एक करके तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सरेंडर किया, राजनीति में आई और फिर उसके बाद फूलन देवी की भी हत्या हो गई। लेकिन बहुत से किस्से ऐसे भी होते हैं जो इस तरह से मीडिया में सुर्खी भले ना बने, लेकिन चंबल में कहानियों और किस्सों में बेहद मशहूर हैं। आज की तारीख में तमाम चंबल का वो इलाका या बिघड़ का वो इलाका नहीं रहा जहां डकैत रहते हों, क्योंकि कहते हैं कि डकैत तो अब शहरों में आ गए हैं, बिघड़ में नहीं रहते। लेकिन जिस वक्त डकैत बिघड़ में, चंबल में, जंगलों में, मुश्किल जगहों पर रहते थे, उस वक्त तमाम किस्से ऐसे हुए जो आज भी दर्ज हैं इतिहास में और आज भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। आज का किस्सा कुछ ऐसा ही है कि एक ऐसा डकैत जिससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी फोर्स कई दिन तक लगी रही। 400 पुलिस वाले एक शख्स को पकड़ने के लिए या मारने के लिए लगे रहे, लेकिन वो अकेले लोहा लेता रहा। और क्या थी इसकी कहानी, आप खुद सुनिए। यह बात है साल 2004 की। हमेशा की तरह डकैतों की जो बिघड़ में जाने की वजह या डकैती के पेशे में जाने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो या तो गरीबी होती है या फिर कुछ ऐसा शोषण होता है। कई डकैत ऐसे भी होते हैं जो पेशेवर होते हैं, उनके घर खानदान के लोग पहले डकैती के धंधे में थे और अपराध के धंधे में थे और उसी का बच्चा, उनके घर का कोई सदस्य फिर आगे इसी पेशे को अपना लेता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये किस्सा जिसका है वो ना तो पेशेवर डकैत था ना ही अपराधी, लेकिन एक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया और उसके बाद वो बिघड़ में चला गया। बिघड़ यानी डकैत जहां रहते हैं, बिघड़ यानी कि वो इलाका जहां पर डकैत अपने गैंग्स को रखते हैं, छुपते हैं, अपने रहने की जगह बनाते हैं जिससे कि पुलिस की नजर में ना आए और वहीं से अपने अपराध को अंजाम देते हैं। इस शख्स का नाम था घनश्याम केवट। साल 2003 में चित्रकूट की जिस जगह पर यह रहता था वहां इसके घर वालों के साथ एक कांड हो गया। इसकी बहन के साथ एक जाति विशेष के लोगों ने रेप किया, उसकी इज्जत लूटी और उसके बाद इतनी बुरी हालत कर दी कि जिसके बाद पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। ये वो वक्त था जब किसी के साथ कोई इस तरह का अपराध हो जाए तो वो कानून के पास जाने के बजाय उसको छुपाना ठीक समझता था, क्योंकि समाज में बेइज्जती होती थी। हालांकि ये सोच गलत थी, आज भी तमाम जगह ये सोच है वो भी गलत है। कानून के पास जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन लोग लाज के डर से लोग जाते नहीं थे। फिर भी इतना जघन्य अपराध था, उसे अपनी बहन की दिक्कत देखी नहीं गई, लिहाजा उसने पुलिस की तरफ रुख किया। पुलिस थाने में पहुंचा, उसने बताया कि क्या हुआ है उसकी बहन के साथ। लेकिन जैसा अक्सर होता है कि पुलिस किसी की फरियाद जल्दी सुनती नहीं, और ऊपर से अगर वो शख्स गरीब हो, दबे कुचले समाज से आता हो या फिर किसी ऐसी जगह से आता हो जिसमें किसी पावरफुल के खिलाफ शिकायत कर रहा हो। इलाके के किसी पावरफुल के खिलाफ ही वो शिकायत करने पहुंचा था कि उसकी बहन की आबरू किसी ने लूट ली है और वो चाहता है कि उसे इंसाफ मिले। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी कुछ नहीं सुनी और उसके बाद उसको कई बार मिनटें और फरियाद करने के बाद, कई चक्कर लगाने के बाद उसको वापस भेज दिया। अब उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, क्योंकि उसको रह रहकर ये याद आ रहा था कि उसकी बहन के साथ कैसी ज्यादती हुई है। पुलिस के अलावा उसके पास कोई सहारा नहीं था, वो इतना पावरफुल या इतना पैसे वाला नहीं था कि कहीं जा करके किसी और के पास फरियाद लगा सकता। लिहाजा एक दिन उसके मन में ख्याल आया
किसी ने सलाह दी कि तुम एक बार बीघड़ में डकैतों के पास जा करके देखो। ये वो वक्त था जब डकैतों के गैंग खत्म तो हो रहे थे, लेकिन तमाम ऐसे डकैतों के गैंग थे जो फिर भी एक्टिव थे। चाहे वो साउथ की बात हो, नॉर्थ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, बड़े बड़े गैंग खात्मे की ओर थे, लेकिन फिर भी जो थे वो अभी भी उसी पेशे में उसी शिद्दत के साथ लगे हुए थे। हालांकि इनका राजनीतिकरण हो चुका था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सपोर्ट करते थे चुनाव के दौरान, और वो लोग संरक्षण देती थी इनको जान बचाए रखने के लिए। इनको पैसे का इस्तेमाल चुनाव में होता था, और ये लोग दूसरे तरीके के डकैती के धंधे में आ चुके थे कि अगर उस इलाके में विकास का कोई कार्य हो रहा हो तो इंजीनियर्स को, तमाम दूसरे कर्मचारियों को, या फिर उस प्रोजेक्ट के हेड को बंधक बना करके उससे पैसे वसूलते थे। यानी डकैती का स्वरूप भी बदल चुका था, लेकिन एक चीज़ अभी भी थी, वो ये कि अगर कोई फरियाद करने इनके पास पहुंच जाता था तो वो न्याय दिलाने का काम पूरी तरह से करते थे, और वो न्याय अपने तरीके से होता था, भले ही वो कानून की किताबों में ठीक ना हो, लेकिन आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ वाली परंपरा को मानते थे ये लोग। यानी कि अगर किसी ने आपके साथ जितनी ज़्यादती की है तो उसी के बराबर ज़्यादती उसके साथ की जाएगी। अब घनश्याम केवट जब बीघड़ में पहुंचा तो उस वक्त एक बहुत बड़ा गैंग था जो केशो डकैत का गैंग था। उसमें करीब 200-250 डकैत थे, और वो उसके नेटवर्क का हिस्सा थे जो कि उस जंगल में रहते थे, घूमते हुए, भटकते हुए, ढूंढते हुए, पूछते हुए वो आखिरकार केशव के गैंग तक पहुंचा। और जब सामने पहुंचा तो केशव के सामने पहुंचने के बाद उसने अपनी तमाम तकलीफ बताई। शुरुआत में केशव डकैत जो था उसने समझा कि शायद ये घनश्याम केवट किसी तरह का नाटक कर रहा है, क्योंकि पुलिस का मुखबिर है। तमाम तरीके से जब उसकी तसल्ली कर ली गई, उसकी जाँच कर ली गई, उसके बारे में पता कर लिया गया, घटना के बारे में पता कर लिया गया, तब फिर केशव ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे गैंग में शामिल हो जाओ और मैं तुम्हारा बदला पूरा करूंगा। इस तरह बीघड़ को एक नया डकैत भी मिल गया घनश्याम केवट के रूप में। कहते हैं कि शुरुआत में तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन जिस तरह से उसकी बहन के साथ बर्बरता हुई थी उसके बाद उसने घनश्याम केवट के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया। यानी सीधा साधा गाँव का एक आदमी अब बेहद खूंखार, बेहद गंभीर और डरावना लगने लगा था। उस पर जब वो बीघड़ में उतरा, केशव डकैत के गैंग में शामिल हुआ, वहाँ पर तमाम गन्स, गोलियाँ, अपराध की बातें, तमाम माहौल देखा, तो वो भी धीरे धीरे उसी में ढलता चला गया। और अब घनश्याम केवट गैंग के तमाम दूसरे सदस्यों के साथ अलग अलग जगहों पर वारदात करने के लिए जाने लगा। ये बात करीब 2004-2005 के आसपास की ही है। घनश्याम केवट धीरे धीरे एक बड़ा नाम हो चुका था, क्योंकि वो बेहद खूंखार हो गया था। अगर कहीं कोई बात उसकी नहीं मानता था तो फौरन उसको गोली मार देता था। कहीं अगर मान लिया उसने फिरौती या डकैती की रकम के लिए कोई बात की हो और वो बात पूरी नहीं हुई तो पूरे के पूरे घर को ख़त्म कर देता था। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि जिस बहन के लिए वो जंगल में गया था, यानी बीघड़ में गया था इंसाफ पाने के लिए, पहला काम उसने यही किया। जब उसने केशव के गैंग को ज्वाइन किया, यानी उसमें शामिल हुआ, तो सबसे पहला काम उसने यही किया कि जो इलाके का वो शख्स था जिसने बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, सबसे पहले घनश्याम केवट ने उसी की हत्या की। अब इस बदले को पूरा करने के बाद घनश्याम केवट रुक नहीं रहा था, वो डकैतों के बीच में आ गया था, उसी जिंदगी को उसने अपना लिया था और तमाम वारदातों में शामिल होने के लिए साथ में उनके जाना शुरू कर दिया था। कहते ये हैं कि घनश्याम केवट केशव से भी ज़्यादा खूंखार हो चुका था, यानी जो गैंग का मुखिया था उससे भी दो कदम आगे। कहीं कोई हमला करना हो, कहीं कोई किडनैपिंग करनी हो, कहीं कोई वारदात करनी हो, कहीं डराना हो या हत्या करनी हो, घनश्याम केवट बिल्कुल नहीं चूकता था। और इस तरह से घनश्याम केवट का नाम अपराध की दुनिया में दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, और उसके साथ ही बढ़ती जा रही थी पुलिस वालों की मुश्किलें, क्योंकि अब तक जो डकैत थे वो टारगेटेड अटैक करते थे, जिनसे बदला लेना है या जहां से उनको कुछ हासिल होना वहीं। लेकिन घनश्याम केवट ऐसा था जो अपने गैंग के साथ निकलता था और जिस भी रास्ते में जो भी मिलता था उसके साथ वो वारदात करने से नहीं चूकता था। इस बीच एक घटना और हुई कि केशव जो मुखिया था उस गैंग का, उसकी उम्र हो चली थी, बीमार था, उसकी मौत हो गई। अब उस मौत के बाद सार्वजनिक तौर पर उसने घोषणा कर दी कि घनश्याम केवट अब इस गैंग का लीडर होगा। यानी उसने खुद ही घोषणा कर दी, और तब तक वो गैंग में इतना ताकतवर हो गया था कि किसी ने उसका विरोध नहीं किया। अब करीब 100 डकैत और उनका मुखिया घनश्याम केवट। लेकिन ये वो वक्त था जब वो पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था, सरकार तक बात जाती थी,
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया कि इन डकैतों के गैंग को खात्मा किया जाना है, लेकिन उनको तरीका समझ नहीं आता था। ये बेशक सरकार ने कहा हो, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इनको राजनीतिक संरक्षण मिला है। उसको ये भी पता था कि कई पॉलिटिशियंस से इन डकैतों के संपर्क संबंध होते हैं और एक दूसरे के वो काम आते हैं। राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो कहीं चुनाव में ये मदद करते हैं। पुलिस प्रशासन भी ये बात जानती थी, इसलिए कई बार कोशिश करने के बाद भी पुलिस उनको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने यह तय कर रखा था कि अब डकैतों के जो गैंग बिहड़ में रहते हैं उनको किसी भी सूरत में खत्म किया जाना है। लिहाजा जब एक बार घनश्याम केवट के बारे में जानकारी मिली कि पास के गांव में वो छुपा हुआ है और किसी वारदात को अंजाम दे सकता है, तो पुलिस फोर्स उसको पकड़ने के लिए पहुंच गई। चित्रकूट का वो गांव, वो जगह आनन फानन में एक किले के रूप में तब्दील हो गया। वहां पर पुलिस पहुंच चुकी थी, दूसरी जगह से फोर्स बुलाई जाने वाली थी और घनश्याम केवट अपने तमाम डकैत दोस्तों के साथ उसके भीतर था। लेकिन गैंग के मुखिया को पकड़ना मुख्य उद्देश्य था, लिहाजा पुलिस ने फोकस ये कर रखा था कि अगर घनश्याम केवट भागता है तो उसको पकड़ने या मारने की कोशिश की जाएगी। इस बीच अफरा तफरी में कुछ उसके गैंग के सदस्य निकलकर गैंग से भाग भी गए, घर से निकल के भाग भी गए और जंगल की तरफ चले गए, लेकिन पुलिस ने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि उनको घनश्याम केवट चाहिए था। थोड़ी देर बाद समझ में आ गया कि घनश्याम केवट ठीक से घिर चुका है, घर में अंदर है और उसके साथ उसका कोई भी साथी मौजूद नहीं है। लेकिन घनश्याम केवट ने एक चालाकी की थी कि जब अपने साथ के तमाम लोगों को उसने भगाया तो उनके सारे हथियार अपने पास रखवा लिए थे। वो लोग क्योंकि ज़्यादा जाना पहचाना नाम नहीं थे, चेहरा नहीं थे, तो वो लोग आराम से लोगों की भीड़ में छुप करके भाग गए और पुलिस ने भी इसकी ज़्यादा परवाह नहीं की और इसके बाद पुलिस का ऑपरेशन शुरू हुआ। घनश्याम केवट को अनाउंस करके सरेंडर करने की चेतावनी दी गई और पुलिस ने कहा कि अगर जिंदा बचना चाहते हो तो सरेंडर कर दो, लेकिन उसने उसके जवाब में घर के भीतर से फायरिंग करने शुरू कर दी। पुलिस वाले भी हैरान थे क्योंकि छत से देखा जा सकता था कि आसपास इतनी पुलिस है कि किसी भी तरीके से अंदर मौजूद कोई भी शख्स बच के नहीं जा सकता है। बावजूद इसके सरेंडर करने के बजाय घनश्याम केवट ने अंदर से गोली चला दी है, इसका मतलब साफ है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और जो कुछ भी वो करेगा वो एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल गोली चलाने के बाद इधर से भी गोली चलाने का आदेश हुआ और करीब 4-5 घंटे तक लगातार रुक रुक करके फायरिंग होती रही। पुलिस इस इंतजार में थी कि घनश्याम केवट के पास असला बारूद खत्म होगा तो वो सरेंडर करेगा। घनश्याम केवट इस बात के इंतजार में था कि पुलिस डरेगी तो पीछे हटेगी और मौका निकाल करके वो भाग जाएगा, लेकिन दोनों को ही गलतफहमी थी। न पुलिस डर के पीछे भाग रही थी और न घनश्याम केवट के पास हथियार खत्म हो रहा था। घनश्याम केवट ने छत की दूसरी मंजिल पर जाकर कोने में एक स्ट्रेटेजिक जगह पर अपनी पनाह बना ली, वहाँ छुप करके फायरिंग कर रहा था जिससे सब पर नज़र भी रख सके और वहाँ से फायरिंग भी कर सके। इधर पुलिस फोर्स बढ़ाने के लिए जो मुखिया थे, जो वहाँ पर आला अधिकारी थे, उन लोगों ने आसपास के थानों को फ़ोन कर दिया कि वो तमाम असला बारूद के साथ अपनी गाड़ियों के साथ और फोर्स के साथ जल्द से जल्द उस गाँव में पहुँचे। बताते हैं कि उस वक्त करीब 400 पुलिस वाले उस घर को घेर चुके थे और अंदर केवल घनश्याम केवट था। ये बात है जिस दिन घटना शुरू हुई, यानी जिस दिन घनश्याम केवट के बारे में पता चला कि वो छुपा हुआ है और पुलिस उसको पकड़ने पहुंची थी। 6-7 घंटे के बाद अंधेरा हो गया, बावजूद इसके रह रह करके फायरिंग हो रही थी। रात के अंधेरे में भी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि वो घर के भीतर जाए। पूरी रात फायरिंग होती रही लेकिन घनश्याम केवट के पास असला नहीं खत्म हुआ, बारूद नहीं खत्म हुआ और उसके पास जो गोलियां थी वो नहीं खत्म हुई। इधर पुलिस के पास दबाव बढ़ता जा रहा था। ये घटना मीडिया में पता चल चुकी थी, सरकार को पता चल चुकी थी और पुलिस के ऊपर इस बात का दबाव था कि इतनी पुलिस फोर्स के बावजूद घनश्याम केवट अकेले इन लोगों से टक्कर ले रहा है तो ये कैसी पुलिस है। इस तरह का दबाव बढ़ते बढ़ते पुलिस परेशान हो चुकी थी और आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने हमेशा के लिए पुलिस की इस कदम को सवालों के घेरे में डाल दिया। सुबह होने वाली थी लेकिन अंधेरा था गांव में और पुलिस परेशान हो चुकी थी कि मीडिया पर लगातार इस बात की रिपोर्टिंग हो रही थी और सुबह फिर से उनकी खिंचाई होने वाली थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इससे निपटने का एक तरीका है कि गांव में रोशनी की जाए जिससे कि घनश्याम केवट दिख सके या फिर उसको आग के घेरे में घेरा जा सके और उसको मारा जा सके। लिहाजा उस घर के आसपास जितने घर थे उनमें पुलिस ने आग लगा दी ताकि आग से घबराकर घनश्याम केवट बाहर निकलेगा और वो उसको पकड़ लेंगे या मार देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का कि पुलिस की ये बेवकूफाना
हरकत काम नहीं आई और तमाम घरों को जलाने के बाद भी घनश्याम केवट ने सरेंडर नहीं किया। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था, दूसरा दिन शुरू हो गया, दूसरा दिन खत्म हो गया, दोपहर आई, शाम आई, रात आई, लेकिन न इधर से सरेंडर हो रहा था और न पुलिस हार मान रही थी। दूसरी तरफ शासन प्रशासन से लगातार अधिकारियों के पास फोन आ रहे थे, उनको डांट पड़ रही थी, मीडिया नेगेटिव खबर दिखा रही थी कि किस तरह से पुलिस किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो रही है। इतनी फोर्स होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक एक शख्स को पकड़ने में कामयाबी नहीं पाई है। पुलिस की काफ़ी किरकिरी हो रही थी और पुलिस के सामने कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो घर के भीतर जाते तो एक दो पुलिस वाले शहीद हो सकते थे, लिहाजा ये भी रिस्क नहीं लिया जाता था। लेकिन दबाव बढ़ने की वजह से अचानक से यह आदेश हुआ कि आप लोग आगे बढ़ करके गोलियां चलाते हुए जाइए जिससे कि उसको पकड़ा जा सके। यहां पर पुलिस से फिर से चूक हो गई। पुलिस की एक टुकड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, घनश्याम कोवट ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसके पास राइफल थी जिसमें चार पुलिस वाले मारे गए और तीन घायल हो गए। अब घटना और बड़ी हो चुकी थी क्योंकि घनश्याम केवट ने इतिहास में ऐसी वारदात को लिख दिया था जिसमें चार पुलिस वाले डकैत के हाथ, वो भी अकेले डकैत के हाथ मारे जा चुके थे। पुलिस की बदनामी हो रही थी, पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे और पुलिस के ऊपर लगातार दबाव था। लिहाजा पुलिस ने दो दिन बीत जाने के बाद भी फुक फुक कदम रखने की सोची तो जरूर, लेकिन उनके मन में बस यही ख्याल था किसी तरह से घनश्याम केवट को बाहर निकाला जाए। बताते हैं कि रात के अंधेरे में तमाम चीज़ें जला करके छत पे फेंकी गई, घर के भीतर फेंकी गई, जिससे कि किसी तरीके से घनश्याम केवट बाहर आए। लेकिन ये लोग हैरान भी इस बात से थे कि इतने फोर्स सामने होने के बावजूद, उनके पास इतने गन और इतनी गोलियां होने के बावजूद घनश्याम केवट उन पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि पहली बात वो रणनीतिक रूप से एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहां वो सबको देख सकता है लेकिन नीचे से सब लोग उसको नहीं देख सकते। दूसरी बात ये है कि उसके पास इतना असला बारूद है, इतने हथियार मौजूद हैं कि वो अकेला वहां से लोहा ले रहा है। बहरहाल तीसरा दिन भी गुजर गया, यानी करीब 50 घंटे गुजर चुके थे। अब पुलिस के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही थी क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम नेता और मीडिया सब लोग पुलिस को लगातार कोस रहे थे, सवाल के घेरे खड़े कर रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है। लेकिन 50 घंटे के बाद जो कुछ हुआ उसने यूपी पुलिस और घनश्याम केवट दोनों का नाम डकैती के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। दरअसल पुलिस इधर बहुत घबराई, परेशान, गुस्से में थी और दूसरी तरफ घनश्याम केवट समझ चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचनी है, लिहाजा उसने एक आखिरी रिस्क लेने की सोची। 51 घंटे बीत चुके थे, घनश्याम केवट अचानक से फायरिंग करता हुआ छत से कूदा और जंगल की तरफ भागा। हालांकि उसको अंदाजा अंदेशा रहा होगा कि सामने पुलिस हो सकती है, लेकिन पुलिस जब तक एक्शन में आती तब तक वो थोड़ी दूर तक जंगल में घुस चुका था फायरिंग करता हुआ। अब ये साफ हो चुका था कि घनश्याम केवट पुलिस की नज़रों से ओझल हो जाएगा और किसी न किसी तरीके से बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने अपने घबराहट में, गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में या समझिए नाकामयाबी को भांपते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जितने पुलिस वाले सामने लगे थे सब जंगल की तरफ भागे और लगातार गोलियां चल रही थी। कुछ देर बाद गोलियां खामोश हुई, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जंगल के भीतर कुछ दूर जाने के बाद घनश्याम केवट की लाश मिल गई, यानी घनश्याम केवट मारा गया था। अब पुलिस ने इसको मीडिया के सामने दिखाया, बताया, घोषणा की कि घनश्याम केवट मार दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके लगातार पुलिस की किरकिरी हुई। उसकी वजह यह थी कि 52 घंटे 400 पुलिस वाले और एक अकेला घनश्याम केवट न सिर्फ लोहा लेता रहा बल्कि चार पुलिस वालों को शहीद भी कर दिया। बड़ा सवाल था, बड़ी जिम्मेदारी थी जिसमें पुलिस बुरी तरह से नाकाम हुई थी। अब किसी तरीके से इस मामले में लीपापोती शुरू हुई क्योंकि सरकार को भी जवाब देना था। इसमें तमाम चीज़ें खुल करके ऐसी भी आ रही थी कि किस तरह से उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, किस तरह से उसके कनेक्शंस थे, पुलिस के लोग किस तरह से मिले हुए थे, जानकारी उसके तक कैसे पहुंचती थी, कौन कौन लोग गैंग की मदद करते थे, ये सब चीज़ें सामने आनी थी। इसीलिए आनन फानन में इस पूरे मामले पर पर्दा डाला गया। पुलिस ने जो भी लापरवाही दिखाई उस पर जाँच के नाम पर शांति हो गई कुछ दिन में, और सरकार ने भी अपनी तरफ से निर्देश देकर के कि जितने भी डकैतों के गैंग हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको ख़त्म किया जाए। हालांकि उसके बाद अब कोई ऐसा एक्टिव गैंग बचा नहीं है जो बीहड़ में काम करता हो, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीहड़ में अभी भी बीहड़ का इंसाफ चलता है और वहाँ पर डकैतों के गैंग चलते हैं, लेकिन घनश्याम केवट का नाम
हमेशा अलग तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि डकैती के इतिहास में कोई इतना खुखार, इतना बदनाम, इतना दिलेर डकैत नहीं हुआ जो 400 पुलिस वालों को अकेले ही छका दे, और वो भी दिन में। तो बहरहाल आज की एक कहानी ऐसी भी में इतना ही। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।